हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अ ट्राइम्फ ऑफ अ सर्जरी के क्वेश्चन और आंसर, इंग्लिश क्लास 10। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि व्हाई इज मिसेस पंपरी वरिड अबाउट ट्रिकी, यानी जो मिसेस पंपरी थी वह अपने ट्रिकी के बारे में, यानी ट्रिकी कौन था, उनका एक डॉग था, ठीक है, अपने डॉग यानी ट्रिकी के बारे में वो चिंतित क्यों थी। तो आंसर है मिसेस पंपरी इज वरिड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ही इज अनवेल। मिसेस पंपरी इसलिए दुखी थी अपने ट्रिकी डॉग के बारे में क्योंकि वो क्या था, उनका डॉग बीमार था, ठीक है। ही हैज रिफ्यूज टू ईट फूड एंड हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, यानी जो उनका कुत्ता डॉग था बेसिकली वो खाने से भी मना कर दिया था और वह ज़्यादातर उल्टियाँ कर रहा था। She feels that he is suffering from a serious health issue, such as malnutrition. यानी मिसेस पंपरी ने सोचा जो मेरा डॉग ट्रिकी है शायद वो काफ़ी सीरियस हेल्थ इशू से क्या कर रहा है, गुजर रहा है, जैसे कि malnutrition. Malnutrition मीन्स होता है कुपोषण। वो सोच रही थी मिसेस पंपरी कि शायद मेरे कुत्तों को यानी डॉग को क्या हो गया है, कुपोषण हो गया है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Why? What does she do to help? Is she wise in this? मिसेस पंपरी थी, ठीक है, आखिर में इस सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए उन्होंने क्या किया? क्या जो मिसेस पंपरी थी वो काफ़ी बुद्धिमान थी इस सारे इशू को सॉल्व करने के लिए? तो आंसर है मिसेस पंपरी स्टार्ट गिविंग एक्स्ट्रा स्नैक्स लाइक माल्ट, कोड व्हीलर, कोड लीवर ऑयल एंड हॉर्लिक्स अपार्ट फ्रॉम दिस मेन मील्स टू इम्प्रूव हिज कंडीशंस। अब इसके बाद से जब उनका डॉग काफ़ी पतला दुबला हो गया था तो मिसेस पंपरी ने क्या किया, उनको अपने कुत्ते को एक्स्ट्रा स्नैक्स देना शुरू कर दिया, ठीक है। मेल्ट मिस होता है जौ मिश्रित दूध होता है, ठीक है, वो देना शुरू कर दिया, हॉर्लिक्स देना शुरू कर दिया, कोट लीवर ऑयल मीन्स होता है कि जो मछली का तेल होता है उसको देना शुरू कर दिया कि जो उनका कुत्ता है उसको खा के उसके जो कंडीशन है जल्दी से उसमें सुधार आए। सी आल्सो कंटिन्यू टू सेटिस्फाई हिज स्वीट टूथ विथ क्रीम केक्स एंड चॉकलेट, और जो मिसेस पंपरी थी अपने डॉग को क्या करने, मतलब मिठाई के रूप में कुछ स्वीट यानी केक देने लगी और चॉकलेट भी उसको खाने के लिए देती थी। सी डज नॉट गिव हिम एनी एक्सरसाइज, लेकिन जो उनका कुत्ता ट्रिकी था उसको कभी भी एक्सरसाइज नहीं देती थी। ओके, कंसिडरिंग दिस लिस्टनेस As well, she is not wise in doing so because overfeeding tricky is worsening his condition instead of improving it. Okay, means जो मिसेस पंपरी थी बेसिकली उनको क्या करना था, अपने कुत्ते को क्या करना था, ठीक करना था, लेकिन अपने जो डॉग ट्रिकी था उसको और ज़्यादा खाना खिलाकर क्या कर रही थी, उसका जो तबीयत है और वो बिगाड़ रही थी, ठीक है। तो शायद इसलिए जो उनका डॉग ट्रिकी था इट हैज मेड हिम वेरी फैट एंड लैसी, इसलिए जो उनका कुत्ता ट्रिकी था वो काफ़ी मोटा हो गया और लेजी हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हाट डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी, यानी इस स्टोरी में आई का क्या मतलब है, क्या रेफर कर रहा है? आंसर है आई रेफर टू द नरेटर, नरेटर कौन है, जो स्टोरी बता रहा है, ठीक है, मिस्टर जेम्स हैरियट, ठीक है, अ वेटरनरी डॉक्टर, ठीक है, वेटरनरी मीन्स होता है पशु चिकित्सक थे, ठीक है, जो मिस्टर जेम्स हैरियट होते हैं वो एक्चुअली में पशु चिकित्सक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इज द नरेटर एज अ रिच एज अ ट्रिकी मिस्ट्रेस, यानी जो नरेटर था, ठीक है, जो मिस्टर जेम्स हैरियट थे, ठीक है, क्या जो ट्रिकी मिस्ट्रेस मीन्स होता है मालिक, ठीक है, यानी जो मिसेस थी जिनका कुत्ता ट्रिकी था और जो मिसेस मिस्टर जेम्स हैरियट होते हैं, क्या वो दोनों से मतलब बराबर मतलब रिच थे, या मतलब इनके कहने का मतलब यहाँ पर है कि इज द नरेटर एज अ रिच एज ट्रिकी मिस्ट्रेस, यानी जो नरेटर है क्या वो धनी है, यानी ज़्यादा धनी है, मतलब ज़्यादा रिच है ट्रिकी मिस्ट्रेस से? तो आइए जानते हैं। नो, द नरेटर इज नॉट एज रिच एज ट्रिकी मिस्ट्रेस, जो नरेटर है, ठीक है, मिस इसका मतलब कि जो मिस्टर जेम्स हैरियट हैं बेसिकली ट्रिकी की मिस्ट्रेस जो हो रहती हैं, क्या नाम है इनका, यहाँ पर मिसेस पंपरी, वो मिसेस पंपरी से क्या है, ज़्यादा वो रिच नहीं थी। ओके, सो
So we can say, so because the narrator seems to fascinated by how lavishly Mr. Pumphrey spent on his well-being and maintenance of her pet. यानी जो मिसेस पंपरी थी वो अपना सारा पैसा क्या कर रही थी, उस अपने पेट यानी ट्रिकी के ऊपर, अपने डॉग के ऊपर खर्च कर दे रही थी. He's unusually surprised by the enriching items she spent for Tricky, as he could not afford them for himself. जो उनकी मालकिन थी मिसेस पंपरी, ठीक है, वो क्या करती थी, इतना पैसे खर्च कर देती थी अपने डॉग के ऊपर जितना कि वो अपने खुद के ऊपर नहीं खर्च कर पाती थी. ओके, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, हाउ डज ही ट्रीट द डॉग. यानी जो मिस्टर हैरियट होते हैं वो किस तरह से डॉग का ट्रीटमेंट करते हैं. आंसर है, जेम्स हैरियट ट्रीट्स ट्रिकी जस्ट लाइक ही वुड ट्रीट एन ओवरसाइज्ड एंड लार्ज डॉग. यानी जेम्स हैरियट ने इस तरह ट्रिकी को ट्रीट कर रहे थे जैसे कि दूसरे लॉजी डॉग को क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं. विच ट्रिकी, जैसे कि वो ट्रिकी की तरह एक सेम ही तरह ट्रीट कर रहे थे, ठीक है. बट ही कट्स डाउन हिज फूड इनटेक. लेकिन जो मिस्टर हैरियट थे ट्रिकी को अब ज़्यादा मतलब खाना नहीं दे रहे थे, ठीक है, उनके खाना में क्या कर रहे थे, कटौती कर रहे थे. एंड कीप्स हिम अंडर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन फॉर द इनिशियल डेज एट हॉस्पिटल. और शुरुआत में क्या हुआ, जो ट्रिकी का काफ़ी अच्छे से देखभाल हो रहा था, काफ़ी स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन के रूप में उसको रखा गया था. ही ग्रेजुअली इंक्रीज ट्रिकी फूड्स एंड सेट्स हिम फ्री फॉर फिजिकल एक्टिविटीज फॉर इम्प्रूव हिज हेल्थ. और उन्होंने क्या किया, जेम्स हैरियट जो थे धीरे धीरे ट्रिकी का फूड को बढ़ाने के लिए शुरू किया और जो ट्रिकी था उसे एक्सरसाइज भी करवाते थे ताकि उनका जो हेल्थ इश्यू है क्या हो सके, इम्प्रूव हो सके. क्वेश्चन नंबर सिक्स है, व्हाई ही इज ही टेम्प्ट टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट. ठीक है, जो मिस्टर जेम्स हैरियट थे वो ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट के रूप में अपने पास क्यों रख लेते हैं उसको. आंसर है, मिस्टर हैरियट इज टेम्प्ट टू कीप ट्रिकी ऑन हिज परमानेंट गेस्ट बिकॉज अ गुड फूड एंड वाइन ही इज एंजॉयिंग द ट्रिकी नेम्स. क्योंकि उन्होंने अपने पास ट्रिकी को इसलिए रख देते हैं मेन गेस्ट के तौर पर क्योंकि उसके नाम पे जो फूड होता है, वाइन होता है, जो मिस्टर हैरियट क्या करते थे ज़्यादातर ले लेते थे. ही डज नॉट वॉन्ट टू लूज द लग्जरियस इनफ्लो ऑफ अ फ्रेश एग, वाइन एंड ब्रांडी. और वो अपना फ्रेश एग, वाइन और ब्रांडी को क्या करना चाहते थे, छोड़ना नहीं चाहते थे. वो ट्रिकी के साथ रहते थे, उनका टाइम भी पास होता हो जाता था और वो भी क्या करते थे, ज़्यादातर लग्जरियस लाइफ को जीते थे. क्वेश्चन नंबर सेवन एंड लास्ट है, Why does Mrs. Pumphrey think the dog recovery is a triumph of a surgery? यानी जो Mrs. Pumphrey रहती हैं वो ऐसा क्यों सोचती हैं जो उनके डॉग का सर्जरी हुआ है एक तरह से ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है. ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी मतलब एक तरह से सर्जरी का सफल हो जाना, ठीक है, ऐसा ये क्यों सोच रही थी. तो आंसर है, Mrs. Pumphrey think the tricky recovery is a triumph of a surgery because his illness was very serious. वह ट्राइप ऑफ सर्जरी इसलिए सोच रही थी जो कि ट्रिकी था काफ़ी बीमार हो चुका था, वह इतना आशा नहीं कर पा रही थी जो ट्रिकी है फिर से वो या उसके हेल्थ में सुधार आ पाएगा. ओके, सी वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट वर वेरी फ्यू चांसेस ऑफ ट्रिकी टू इम्प्रूव एंड ही नीडेड हिम इमीडिएट मेडिकल अटेंशन. और वो जानती थी जो ट्रिकी है उसको इमीडिएटली क्या है, ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करने की ज़रूरत है. तो वो जानती थी जो कंडीशन है ट्रिकी का वो काफ़ी सीरियस है और काफ़ी टाइम भी लगेगा उसको रिकवर होने में. देन आफ्टर दस दिस राइवल विदाउट एनी मेडिसिनल ट्रीटमेंट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट अकॉर्डिंग टू हर. लेकिन उनके हिसाब से बिना दवा दिए हुए ट्रिकी को ठीक करना उनके लिए क्या था, काफ़ी बड़ा अचीवमेंट था. ओके, तो इसलिए वो सोच रही थी ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच.